Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidhi Kilor and this is Indian Polity Series of Study IQ, जिसमें हम लक्ष्मीकांत करने की कोशिश कर रहे हैं 100 लेक्चर्स के द्वारा. 21 लेक्चर खत्म हो चुके हैं. We are on the 22nd today. और 22nd में हम आज प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री भारत के जो हैं उनके बारे में, संविधान से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, उनके जो भी पावर्स हैं, जो भी उनको अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, उनका इलेक्शन किस प्रकार से होता है, हम वो डिस्कस करेंगे. अगर एक इसको आगे बढ़ने से पहले एक कन्फ्यूजन को या फिर एक स्ट्रक्चर को बना के रखिए दिमाग में कि किस प्रकार से हम क्या चीज़ें कर रहे हैं. देखिए, सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है और कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेसिफिकली प्रीएम्बल और फिर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट? पार्ट्स जिसे कहा जाता है, ये पार्ट्स 1, 2, 3, 4 और 4A, अगर बीच में कोई संशोधन किया जाए और एक एक्स्ट्रा पार्ट को ऐड कर दिया जाता है तो उसके पीछे एक इंग्लिश लेटर लगा दिया जाता है. हमने ये पांचों के पांचों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं. वी हैव आल्सो कंप्लीटेड 11th एंड 12th एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड 18th, ठीक है, जिसके अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस दिए हुए थे. और अब हम पार्ट 5th के अंदर आ गए, ठीक है. पार्ट 5th के अंदर कई सारे से, जैसे बाकियों में नहीं अवेलेबल है, लेकिन कई सारे से जो कोई बड़े पार्ट होते हैं तो उनको चैप्टर्स में बांटा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में. तो जैसे पार्ट 5th है वो 5 चैप्टर में, 5th है और 5 ही चैप्टर उसके अंदर अलग से डिवाइडेड है. पार्ट 5th अगर आप देखेंगे, व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स, वो आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 तक है, 52 से 151 तक, ठीक है. 99 आर्टिकल्स हैं इसके अंदर और इसका टाइटल है यूनियन, यानी कि केंद्र सरकार से, सेंट्रल सरकार से संबंधित जो भी आर्टिकल्स इसके अंदर होते हैं. ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है. जैसे सबसे पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्ट 1 जो है इसका, पार्ट 2 इसके बाद पार्लियामेंट, पार्ट 3 ऑर्डिनेंस. पार्ट 3 ऑर्डिनेंस में एक ही आर्टिकल है, सिर्फ एक, 123. ये जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी लेजिस्लेटिव पावर को डिफाइन करने के लिए है, क्योंकि जब यूजुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कानून बनाने की शक्ति जो दी गई है वो यूनियन के पास है, वो कानून बनाता कौन है? पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा. परंतु लोकसभा किसी समय हो सकता है सेशन में ना हो, तो उस समय सेशन में नहीं होता है कोई भी, या लोकसभा नहीं होती है, तब उस समय शक्ति दी जाती है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट को कानून बनाने की, उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. वो पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिंगल आर्टिकल है इस चैप्टर के अंदर, ऑर्डिनेंस से संबंधित 123, ठीक है. उसके बाद यूनियन जुडिशरी पार्ट 4 जो हो गया इसका, चैप्टर 4 हो गया, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा, जुडिशरी. और उसके बाद चैप्टर 5 यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ये पूरा का पूरा हमारे केंद्र से, यूनियन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन के अंदर सारे के सारे दिए गए हैं. पार्ट 5 खुद इन इटसेल्फ चैप्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक है. हम अभी यूनियन एग्जीक्यूटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात तो हमें पता ही है, ठीक है. यूनियन एग्जीक्यूटिव हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं. यूनियन एग्जीक्यूटिव को भी हम जानते हैं कि वो 5 में है, जैसे कि, बट अभी जो ये सेक्शन है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, ये इसमें कोई नंबरिंग नहीं है, वो नॉर्मल बस जैसे ही नए, जैसे प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स स्टार्ट होते हैं तो वो ऊपर प्रेसिडेंट लिख देते हैं एंड देन इट स्टार्ट्स. फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल. जब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर ऊपर लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर टू हो गया, फिर वो पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन इट इज डन टिल 122 और फिर बेसिकली चैप्टर 3, इस प्रकार से. अच्छा, उसके बाद जब प्रेसिडेंट होगा तो इनके अलग अलग आर्टिकल्स में इनसे संबंधित अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, इलेक्शन किस प्रकार से है, अपॉइंटमेंट, टर्म, सैलरी, जो भी हम पढ़ चुके हैं. एक आर्टिकल होता है जिसका नंबर होता है, एक क्रोनोलॉजिकली नंबर होता है, उसको कहते हैं आर्टिकल यानी अनुच्छेद. उसके बाद देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसको डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, क्लॉजेज के अंदर जिसको कहते हैं, कि वो क्लॉज के अंदर, उसके अंदर कई सारे क्लॉज हो सकते हैं एंड देन उसके नीचे ए बी सी एक सब क्लॉज भी हो सकते हैं, यानी कि एक धारा और एक उपधारा भी हो सकते हैं. अनुच्छेद यानी आर्टिकल, इट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू द क्लॉजेज यानी 1, 2, 3 और दोज क्लॉजेज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, सब सेक्शंस, सब क्लॉजेज ए बी सी. ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर काम करता है. एक बार समराइज करते हैं दोबारा से. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रीएम्बल है और उसके बाद पार्ट्स हैं, ठीक है. हर एक पार्ट रोमन न्यूमरल से दिखाया जाता है, 1, 2, 3, 4, 4A, 5, ठीक है. उसके बाद पार्ट 5 में चैप्टर्स में भी डिवाइडेड है वो अलग से, बाकी वाले नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिकली कुछ कुछ है जहां पर जरूरत पड़ती है, वो वाले बड़े वाला कोई पार्ट होता है, ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है. तो पार्ट 5 जो कि द यूनियन के बारे में बात करता है, वो चैप्टर्स में डिवाइडेड है 5 चैप्टरों में. यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट,
लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, एक ही आर्टिकल है 123, उसके अंदर यूनियन जुडिशरी जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, एंड देन कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो चैप्टर है उसके कई सारे से सब सेक्शन है, हाउएवर वो फॉर्मली डिफाइंड नहीं होते हैं। तो आप जाएंगे जब यूनियन एग्जीक्यूटिव में चैप्टर वन यूनियन एग्जीक्यूटिव लिखा होगा और उसके बाद प्रेसिडेंट लिखा होगा, बट देर इज नॉट अ स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन, उसकी नंबरिंग नहीं होगी। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम ये पांच चीजें पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट कर चुके हैं, एंड नाउ डेफिनेटली नॉन नेगोशिएबली द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल होम मिनिस्टर सबसे ज्यादा पावरफुल है, हाउएवर दैट्स अ कॉन्वर्सेशन फॉर अदर डे। प्राइम मिनिस्टर बेसिकली इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, इंडीड ये वाला जो लेक्चर है ये बेसिकली वो गाने से स्टार्ट हो सकता था, अजीमो शान शहनशाह मरहबा, वो वाला गाना, क्योंकि एक्चुअली में इस समय जो सबसे ज्यादा पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है या पावरफुल एग्जीक्यूटिव पोजीशन होती है, दैट इज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द कंट्री, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की जो विजन होती है उसी की डायरेक्शन में देश आगे बढ़ता है। वी विल डिस्कस टुडे अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। इंटरेस्टिंग बात कई सारी हैं आज के आर्टिकल से रिलेटेड। ये हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री आई होप आप सबको याद होगा, जवाहरलाल नेहरू जी की शपथ सेरेमनी है। ये लॉर्ड माउंटबेटन है और ये लेडी माउंटबेटन है, और वो पार्लियामेंट, हमारा जो पार्लियामेंट है उसके अंदर शपथ ले रहे हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर। ये सुबह 8:30 का टाइम है, 15 अगस्त 1947 का ये दिन है, ठीक है। वो डेस्टिनी का जो मोमेंट था, उसके बाद से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपना लिया, एंड देन इंडिया हैज इन लास्ट 70 ईयर्स टर्नड आउट टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसीज इन द होल हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमैनिटी। हमसे अगर डेमोक्रेसी में कोई मुकाबला कर सकता है तो एक यूएसए कर सकता है, बाकी वरना हमने तो यूरोप के बराबर सब कुछ अचीव किया हुआ है एज फार एज द डेमोक्रेसी इज कंसर्न, एंड ए सक्सेसफुल वन। जब इंडिया वोट करने जाता है लोकसभा इलेक्शन में, दैट इज एन इवेंट जो कि अनपैरेलल्ड होता है एवरी सब्सिक्वेंट इलेक्शंस में। इट्स एन इवेंट विच इज अनपैरेलल्ड इन द होल हिस्ट्री ऑफ द होल ह्यूमैनिटी टिल डेट, पिछले 450 करोड़ सालों की दुनिया की हिस्ट्री में। इसको कंटिन्यू करते हुए 2014 में 26 मई 2014 को हमारे देश के करंट प्राइम मिनिस्टर, यहां पर नरेंद्र मोदी जी हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की शपथ सेरेमनी है। ये 26 मई 2014 की फर्स्ट जब उनका टर्म आया था, वही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले वाला ही दिखाया। टिल फ्रॉम 26 मई 2014 नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है। इनको शपथ बेसिकली प्रणब मुखर्जी जी दिला रहे हैं जो कि उस समय राष्ट्रपति थे, राइट। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्योंकि उस समय कोई राष्ट्रपति नहीं था, तो जो माउंट बेटन जो कि वाइस रॉय थे वो शपथ दिला रहे हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दिस इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन टूडे। प्राइम मिनिस्टर के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, दो जिन्हें नहीं भी पता है, यू नो, आपने हेडलाइन में कभी भी प्रेसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। कुछ लोगों से पूछूंगा तो कई बार अगर कुछ आलिया भट्ट के फैंस हैं तो वो हो सकता है प्रेसिडेंट का नाम भी नहीं बता पाए। प्रेसिडेंट यूजुअली हेडलाइंस में सिर्फ एक ही टाइम आता है, जब जो साल का पहला सेशन होता है लोकसभा का, बजट सेशन उसे कहा जाता है, उस समय प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को संबोधित करते हैं, तो वो न्यूज़ बेसिकली अगले दिन अखबार में आती है। वो आप पढ़ते नहीं हैं तो आपको वो भी नहीं पता है कि अच्छा सर ऐसा भी कुछ होता था क्या। नेवरदलेस आप जानते हैं ना जानते हुए भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही बेसिकली देश के कर्ता धर्ता होते हैं, उन्हीं के ऊपर न्यूज होती है, उन्हीं के ऊपर बेसिकली द पर्सन हु इज डूइंग द जॉब इज बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड यू वुड रियलाइज कि आज सबसे ज्यादा पावरफुल भी एक्चुअली में यही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने लिया है, एंड वी हैव डिस्कस्ड, राइट, हमने स्पेसिफिकली पढ़ा है इस बारे में कि हमने पार्लियामेंट्री क्यों लिया था, व्हाई डिड वी चूज इट। अगेन, वैसे तो रीजंस बहुत हैं, एकेडमिकली रीजंस बहुत हैं, परंतु सच्चा रीजन ये है कि यही आता था, 200 साल से यही चल रहा था, तो फिर किस लिए बदला जाए। मोर और लेस जो स्पिरिट थी वो यही स्पिरिट थी। इन एनी सिनेरियो ये बहुत ही सक्सेसफुल वाला सिस्टम है गवर्नमेंट का, जो कि ब्रिटेन ने अपनाया हुआ था, उसके 300-400 सालों से वहां पे चल रहा था, तो हमने बेसिकली उसी को अपना लिया, एंड इट हैज बीन प्रूवन टू बी परफेक्टली ऑल राइट फॉर इंडिया ऑल्सो। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसमें राष्ट्रपति जो होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का मतलब नाम मात्र कार्यकर्ता, वो नाम मात्र है, एज इन की साइन उनके होंगे, ठीक है, लेकिन काम किसी और ने किया होगा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। सो प्रेसिडेंट इज अ सेरेमोनियल हेड, इट्स
ब्रिटेन के कॉन्सेप्ट, ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में या एनालॉजिकली देखी जाए तो वहां पे इस समय मोनार्की है, ठीक है, रानी इस समय जिंदा है वहां पे, तो लेकिन रानी कोई काम नहीं करती है वहां पर, बस कोई लॉ बन के चला जाता है तो वो स्टैंप लग जाती है कि बेसिकली राजा के द्वारा ये स्टैंप लगाई गई है। उसी प्रकार से प्रेसिडेंट भी कई बार, उनको कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट रबर स्टैंप कह भी देते हैं। रबर स्टैंप कौन है? रबर स्टैंप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि मोर और लेस कॉन्स्टिट्यूशन ने उनकी पावर्स को इस प्रकार से लिमिट किया है या इस प्रकार से डिफाइन किया है कि उनके पास जो पार्लियामेंट या जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइसेज आती है उनके ऊपर स्टैंप मारने के अलावा कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। ठीक है, माइनर दो तीन स्कोप है, अगेन वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, कर भी चुके हैं। एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी डी फैक्टो, इन द फैक्ट, बाय फैक्ट। कौन है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी? प्रधानमंत्री। इन अदर वर्ड्स, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट वाइल प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब मैं वही सेंटेंस रिपीट करूंगा जो कि आप पहले सुन चुके हैं कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं। वी हैव सेपरेटेड बोथ दीज थिंग्स स्पेसिफिकली, ठीक है, नॉट एन इशू। पार्लियामेंट्री वाला सिस्टम है ये, इसमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेड ऑफ द स्टेट यूनाइटेड किंगडम में कौन होगा? एग्जैक्टली द क्वीन वुड बी द हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होंगे? जो प्राइम मिनिस्टर है। कमाल बात यह है, एंड दिस इज ट्रूली अमेजिंग, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर इज मेंशन्ड ओनली इन फोर आर्टिकल्स, 74, 75, 78 और 366, 74, 75, 78 एंड 366। जिसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी पता, उसे भी पता है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण एंड द मोस्ट पावरफुल पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में खुद, और हमें पता है कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले रहे हैं, तो किसी समय अगर मैं बी आर अंबेडकर जी से मिला या फिर फाउंडिंग फादर से मिला तो ये सवाल तो मेरा उनसे जरूर होगा कि सर व्हाट वाज एग्जैक्टली द प्लान। प्रेसिडेंट की आपने सारी डिटेल दे दी, सुप्रीम कोर्ट की भी दे रखी, कैग तक की दे रखी है आपने, अटॉर्नी जनरल के बारे में सब कुछ लिखा हुआ, यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर्स की भी इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी, बट प्राइम मिनिस्टर नथिंग फॉर हिम। वेल नेवर द लेस, उसके बावजूद भी देर इज इनफ विच वी हैव टू स्टडी। मैं बताता हूं, ठीक है, ही प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज एन अंडरस्टेटमेंट। ही डजंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ही इज द क्रूशियल इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर होता है, और वो कई हमारे ऐसे आर्टिकल आएंगे विच विल से कि हाँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कि प्रधानमंत्री। चलिए, प्राइम मिनिस्टर जब हम पढ़ेंगे, दीज आर दी टॉपिक्स, यही हमें पढ़ना है, इससे ज्यादा कोई चीजें नहीं है। सबसे पहले इंटरेस्टिंग वाली बात पे आते हैं, एक अपॉइंटमेंट के बारे में, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट नियुक्ति किस प्रकार से होती है। ठीक है, अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने इलेक्शन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में वी वर टॉकिंग अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, हियर इट इज अपॉइंटमेंट, सो देर इज अ डिफरेंस। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद ओथ टर्म्स, वो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन के, टर्म क्या होती है, वैकेंसी क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, नथिंग स्पेसिफिक, सेम टू सेम सबके साथ फॉलो करना है। उसके बाद जो मेन चीज है, आखिर प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन क्या है भाई, क्या काम करते हैं और क्या इनके पास शक्ति हैं, पावर्स क्या हैं, जिसको हम तीन हेडिंग, चार हेडिंग्स में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। सबसे पहले इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है और प्राइम मिनिस्टर है, उसमें प्राइम मिनिस्टर की उनके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड देन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड देन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पार्लियामेंट, एंड देन उसके बावजूद भी, अनगिनत है वैसे अगर देखी जाए तो बात, लेकिन हमें जो बुक्स के हिसाब से या प्रीलिम्स के एग्जाम के हिसाब से समझना है, सो दीज फोर शैल बी एक्चुअली इनफ। और उसके बाद ये वेरी स्पेसिफिकली तीन जो आर्टिकल हैं, वैसे प्रधानमंत्री सिर्फ चार ही आर्टिकल में मेंशन है, तो उसमें से जो तीन यूनियन एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में दिया हुआ है, 74, 75 एंड 78, ये तीनों के तीनों जो आर्टिकल हैं जिनमें प्राइम मिनिस्टर का नाम मेंशन है, ये स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के साथ जो रिलेशनशिप है उनको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में किस प्रकार से क्या कम्युनिकेशन होगा, कैसे ये एक दूसरे के साथ, व्हाट इज द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बट चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, व्हाई वेस्ट आवर टाइम, क्योंकि मैंने कुछ लक्ष्मीकांत से संबंधित कुछ सीरीज देखी थी यूट्यूब पर, और मैंने देखा कि वो जितनी भी सीरीज हैं आधे घंटे की वीडियो होती है, लेकिन उसमें से पहले 10 मिनट तक आपको किसी प्रकार की कुछ सेल की जाती है। 15 मिनट का वीडियो होता है, वो लगेगा आधे घंटे का, पहले आपको मनाया जाता है किसी चीज को। एग्जैक्टली या सेम वीडियो, यस। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में कैसे होती है इनकी नियुक्ति। अब ट्रिमेंडस बात यह है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं बताया, अपॉइंट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन
और अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बस इन्होंने अनुच्छेद नंबर 75 में ये लिख दिया कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और बस खत्म, इतना ही लिख के काम चल गया। कि अच्छा एक और बात है, यहां पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बाद अब सारी की सारी बात ना अपॉइंटमेंट पे आ जाती है, इलेक्शन के जो इश्यूज हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वंस यू हैव चोजन द हेड ऑफ द स्टेट, राइट, सबसे सीनियर आदमी अगर आपने चुन लिया है तो अब उसको शक्ति मिल चुकी है सबको अपॉइंट करने की, राइट तो यूजुअली अब जो अपॉइंटमेंट, अब इलेक्शन इज द सेकेंडरी, इलेक्शन किस प्रकार से होता है वो सेकेंडरी चीज हो जाती है, लेकिन अब अपॉइंट कौन कर रहा है और अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या होता है उस बात पर ज्यादा फोकस रहेगा। यहां पे जो प्रधानमंत्री का इलेक्शन है वो तो नॉर्मल इलेक्शन प्रोसीजर है, जिस प्रकार से दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होकर आता है सेम फॉलो करता है कोई भी प्रधानमंत्री का जो कैंडिडेट होता है वो भी। हाउएवर अपॉइंटमेंट जो है स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री का जो अपॉइंटमेंट है वो करता है प्रेसिडेंट, और वो अनुच्छेद नंबर 75 में लिखा हुआ है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। बट अब देखिए, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका मतलब कि किसी को पता नहीं था क्या करना है। देयर आर सर्टेन ना पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, कन्वेंशंस का मतलब है कि इट्स समथिंग लाइक कि जैसे आप ताऊजी से, आप अपने बड़े ताऊजी से मिले तो आप पैर छू लेते, राइट, अब कोई लॉ नहीं है ऐसा करने के लिए, वो अगर तुम नहीं छूओगे तो वो नाराज भी नहीं होंगे, बट एक कन्वेंशन बनी हुई है जिसको मेंटेन करने के लिए सबको ऐसा लगता है कि उसको मेंटेन करना चाहिए बिकॉज इट इज बीइंग मेंटेन, राइट। या फिर जैसे अगर आप कहीं फैमिली डिनर पर बैठे हैं तो यूजुअली जो सबसे सेंटर में है हमारे सबसे सीनियर जो भी घर के मेंबर होते हैं उनको बिठा दिया जाता है, काइंड ऑफ ए कन्वेंशन, कन्वेंशन नॉट अ लॉ, लीगल नहीं है, लिखा नहीं हुआ है कहीं पे, अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग टूट जाए तो कुछ किया नहीं जा सकता है, हावेवर उसकी इतनी सोशल पावर होती है, इट्स काइंड ऑफ अ कस्टम, इट्स काइंड ऑफ अ जो सोशल कस्टम होते हैं, राइट, लॉ नहीं होते लेकिन उनके बावजूद भी उसकी जो शक्ति होती है उनकी पूरी की पूरी लॉ के तहत होती है। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, वो कहता है कि प्रेसिडेंट उन्हीं को प्रधानमंत्री अपॉइंट कर सकता है जो कि लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी हो इन दी लोकसभा। इजी है, मेजॉरिटी पार्टी ऑफ दी लोकसभा के जो लीडर होते हैं उन्हीं को बेसिकली प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट उन्हीं को बेसिकली प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। नाउ दैट सीम्स एन इजी, ये व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, क्योंकि ये एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाएगा, राइट, क्योंकि सोचने में यहां पर दो तीन चीजों में डिफिकल्टी आएगी, डिफिकल्टी इन द सेंस कि प्रेसिडेंट, बाकी सबका अपॉइंटमेंट ना बहुत ही क्लियर कट होगा, जब भी देखोगे तो बाकी सबका अपॉइंटमेंट बहुत ही क्लियर कट होगा, सिर्फ पीएम और सीएम का सेम टू सेम है जो कि नहीं है, तो इसमें आपको लगेगा कि इनका भी लिख के दिया होगा, नहीं, इसमें किसी का भी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस या इलेक्शन का प्रोसेस दिया नहीं गया है। इसमें यह है कि बस जो भी मेजॉरिटी पावर के लीडर हैं उनको बेसिकली प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देता है ऑन एन कन्वेंशन। बहुत टेक्निकलिटी बात है, कन्वेंशन है ये, जरूरी नहीं है ये। एज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा देन द प्रेसिडेंट मे एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन इन द सिलेक्शन एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब अगर सपोज कीजिए मेजॉरिटी हो ही ना, राइट, मेजॉरिटी होने का मतलब है कि भाई हमारी जो लोकसभा है उसके अंदर 272 से ऊपर सीटें ले आना, एक पार्टी अगर सिंगल, एक पार्टी या एक कोएलिशन पार्टी मिलकर, कोएलिशन मिलकर 272 से ऊपर सीटें ले आए तो ये जिसको अपना लीडर नियुक्त करेंगे उसको ही प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ऐसे उसके पास खास ऑप्शन नहीं है कुछ और करने का। ठीक है, हाउएवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी के पास मेजॉरिटी नहीं आए, देन ही कैन एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेजिडेंट यूजअली अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, यूजअली ऐसे में जो लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको चुन लिया जाता है। अगेन यहां पर भी डिस्क्रिशन है प्रेजिडेंट की, पर लॉजिकली यही देखा जाएगा कि भाई माना 272 सीटें नहीं है लेकिन किसी पार्टी की 200 सीटें हैं तो यही सबसे पास है जो कि गवर्नमेंट बनवा सकती है, तो उनका जो लीडर होता है उसको प्राइम मिनिस्टर चुना जा सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात ध्यान रखना, देखिए जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे ना यू वुड रियलाइज कि प्रेसिडेंट इज मोर और लेस बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, ऑलवेज जो भी वो काम करेंगे वो हमेशा इनके नाम के इनके बेसिस पर ही होगा। लेकिन प्रेसिडेंट के पास पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ तीन डिस्क्रिशन एग्जिस्ट करती है, तीन डिस्क्रिशन कौन सी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करना जब मेजॉरिटी पावर ना हो, कोई भी मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, किसी कोई भी के पास नहीं है, अब प्रेसिडेंट को खुद चूज करना पड़ता है, खुद चॉइस करनी पड़ती है कि किसको मैं प्राइम मिनिस्टर बनाऊं, दैट्स द फर्स्ट डिस्क्रिशन जिसके अंदर वो किसी की एडवाइस नहीं ले रहे हैं, खुद की डिस्क्रिशन यूज कर रहे हैं। दूसरा, अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है
सपोज कीजिए वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और पार्लियामेंट में लोकसभा में उन्होंने कॉन्फिडेंस का जो मोशन है वो खो दिया, राइट, उनको मतलब लोकसभा में माना गया कि ये मेजोरिटी में नहीं है, तब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं। अगेन यहां पर भी किसी की एडवाइस नहीं आई है तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिशन है। और तीसरा, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिर चुकी है तो वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ये तीन ऑप्शन होते हैं प्रेजिडेंट के पास जिसमें उनके पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, यानी कि वो खुद की इच्छा विल यूज करते हैं, क्योंकि और कोई इट्स अ सिचुएशन जिसके अंदर वो एडवाइस उससे ले नहीं सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी प्रेसिडेंट कुछ भी करते हैं, इट इज ऑलवेज एडेड एंड एडवाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गया जो भी लोकसभा का मेंबर होता है, उसके बारे में दो तीन एक ट्रिकी चीजें सीख लो। क्या ट्रिकी? सबसे पहले, अब जैसे ये डिस्क्रिशन वाली बात थी, द डिस्क्रिशन वॉज फर्स्ट एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट इन दी 1979, जब नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो उन्होंने चरण सिंह को, जो कि कोएलिशन लीडर था, प्राइम मिनिस्टर बना दिया आफ्टर द फॉल ऑफ जनता पार्टी। तो इंदिरा गांधी जी की जब इमरजेंसी खत्म हुई थी तो इलेक्शंस हुए थे 1977 में, तो उस समय मोरारजी देसाई बेसिकली क्या नाम है प्रधानमंत्री बन गए थे। इनकी भी सरकार गिरी तो बेसिकली किसी भी सरकार के पास कोई भी मेजॉरिटी नहीं थी, ठीक है, तो मेजॉरिटी में जो कोएलिशन लीडर के सबसे हाईएस्ट मेंबर थे चरण सिंह, उनको बेसिकली प्रधानमंत्री बना दिया गया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इंडियन प्रेसिडेंट यूज्ड हिज सिचुएशनल डिस्क्रिशन टू अपॉइंट अ प्राइम मिनिस्टर। एक और दूसरी सिचुएशन है, राइट, ये अपॉइंटमेंट वाले पीएम में दो इशू हो सकते हैं, या तो मेजॉरिटी का इशू हो कि किसी के पास मेजॉरिटी ना हो, और या फिर डेथ हो जाए एट एनी गिवन टाइम, अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए तो। ये वाली दूसरे वाली सिचुएशन जब उसको इंडिविजुअल जजमेंट की यूज करनी पड़ती है, व्हेन प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज सडनली एंड देर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है ऐसे में। अगेन ये वाला भी एक बार यूज हो चुका है, इंदिरा गांधी जी की जब असैसिनेशन हुई थी तो उस समय प्रेसिडेंट जयल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया था इंस्टेड ऑफ अपॉइंटिंग अ केयर टेकर मिनिस्टर। बाद में कांग्रेस ने राजीव गांधी को प्रेसिडेंट चुन लिया था, राइट, तो मेजॉरिटी में उस समय कांग्रेस है और कांग्रेस ने बेसिकली फिर उनको अपना खुद का लोकसभा का प्रेसिडेंट भी चुन लिया है, पार्टी प्रेसिडेंट चुन लिया है, तो हेंस अननेमसली इलेक्टेड एज इज लीडर। However, if on death of an incumbent prime minister, the ruling party elects a new leader, the president has no choice to but to appoint him as prime minister. यानी कि कहने का मतलब यह कि ज्ञानी जयल सिंह जी ने राजीव गांधी, जो कि अभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं है, उनको अपनी डिस्क्रिशन पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो चुकी है तो उस समय कुछ तो सोच के करना ही होता है, तो उन्होंने अपनी डिस्क्रिशन पे उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अगर वेरी हाइपोथेटिकली कांग्रेस किसी और को प्रेसिडेंट बना देती तो फिर ज्ञानी जयल सिंह के पास चॉइस नहीं रहती, फिर जो भी दूसरा प्रेसिडेंट बनता पार्टी का प्रेसिडेंट उन्हीं को बनाना पड़ता, राइट। सो डिस्क्रिशन सिर्फ और सिर्फ दो सिचुएशन में है, जब मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, मेजॉरिटी नहीं है, दूसरा जो भी लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी है उनके प्रेसिडेंट को ही प्राइम मिनिस्टर चुना जा सकता है, उसमें ऐसा प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशन या अपना चॉइस नहीं है कि नहीं नहीं आपको चुन तो लिया लेकिन मैं प्रधानमंत्री नहीं बनाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन 1980, अब देखो ये जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से संबंधित दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले वाला क्या है, पहला कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजॉरिटी इन द लोकसभा बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। ये चरण सिंह के इलेक्शन पर ही हुआ था, क्या नाम है देखिए, चरण सिंह के नीलम संजीवा रेड्डी ने जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने चरण सिंह, जो कि कोएलिशन लीडर है, ठीक है, इनके पास फुल मेजॉरिटी की सीटें नहीं है लोकसभा में, ठीक है, 272 से कम सीटें हैं इनके पास, इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। ये चैलेंज हो गया ये वाला मुद्दा कि भाई जो फुल मेजॉरिटी नहीं रखता उसको किस प्रकार से बना दिया गया पहले प्राइम मिनिस्टर। तो दिल्ली हाईकोर्ट कहती है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मेजॉरिटी प्रूव करने के बाद प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं फिर उसके बाद मेजॉरिटी प्रूव कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट मे फर्स्ट अपॉइंट हिम एंड देन आस्क हिम टू प्रूव हिज मेजॉरिटी इन अ लोकसभा विद इन अ रीजनेबल पीरियड। ओके, सो जो हाइपोथेटिकल सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, यानी कि इफ यू रियली हाइपोथिसाइज समथिंग यू कैन बी प्राइम मिनिस्टर इवन विदाउट डूइंग एनीथिंग, ना लोकसभा के मेंबर हो ना राज्यसभा के मेंबर हो, ठीक है, प्रेसिडेंट आपको प्रधानमंत्री बना सकते हैं उस समय बेसिकली, बाद में फिर प्राइम प्रधानमंत्री बनने के बाद डेफिनेटली आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि लोकसभा में आप मेजॉरिटी प्रूव करके दिखाएं। बट वेरी वेरी लीगल टेक्निकलिटी का मतलब यह है कि देश के कोई भी नागरिक
प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर वो 25 साल से या 30 साल से ऊपर हो, तो डिपेंडिंग ऑन कि वो लोकसभा के मेंबर है राज्यसभा के, वेलकम टू दैट। ठीक है, सिर्फ एज का क्राइटेरिया है और कोई मुद्दा नहीं है प्रधानमंत्री का। चलिए, प्रधानमंत्री की जो क्वालिफिकेशंस है ना, वो बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की है, अलग से कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, सो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वही बेसिकली प्रधानमंत्री की क्वालिफिकेशंस हो जाएंगी एज पे, आते हैं उसके ऊपर। चलिए, दूसरा प्रधानमंत्री से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर फॉर 6 months विद इन विच ही शुड बिकम अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अदरवाइज ही सीजेस टू बी प्राइम मिनिस्टर। ये कैच आपको बंगाल के जो इलेक्शंस हुए हैं उनसे भी सीख सकते हैं। याद रखिए कि हमारी जो सेंटर और स्टेट है वो एनालॉजिकल है, पैरेलल पैरेलल उनके आर्टिकल्स होंगे। मुख्यमंत्री के साथ भी यही आर्टिकल लगता है और प्रधानमंत्री के साथ भी, यानी कि आप लोकसभा के भी मेंबर नहीं है और राज्यसभा के भी मेंबर नहीं है, आपको चुनकर प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, पार्टी की तरफ से बनाया जा सकता है, जो भी पार्टी मेजॉरिटी में आई हो वो आपको लीडर बना सकती है। और हो सकता है आप, जरूरी नहीं कि आपने इलेक्शन ही लड़े हो, आप लीडर हो सकते हैं किसी भी पार्टी के। अब उसके बाद जैसे ही आप प्रधानमंत्री बनेंगे, अब आपको 6 महीने का समय मिलेगा, 6 महीने का समय मिलेगा, या तो इलेक्शन लड़के लोकसभा में आ जाइए या फिर बेसिकली अपना इलेक्शन लड़के बेसिकली राज्यसभा में आ जाइए, दोनों हाउसेज में से किसी में भी। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, ये मुख्यमंत्री के केस में भी। अगर आप बंगाल के इलेक्शन देखेंगे तो ममता बनर्जी जिस सीट से लड़ी थी, ममता बनर्जी के जो अगेंस्ट खड़े थे शुभेंदु अधिकारी, वो बेसिकली जीत गए, लेकिन ममता बनर्जी अपना जो इलेक्शन था, जो एमएलए वाला इलेक्शन था, वो हार गए। हावेवर उसके बावजूद भी ममता बनर्जी जी को वो बना दिया गया, क्या नाम है, मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक है, तो उनके पास 6 महीने का समय है टू ईदर बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल और द लेजिस्लेटिव असेंबली। और हमारे यहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइटेरिया नहीं है कि लोकसभा में होना चाहिए या राज्यसभा में होना चाहिए। इंटरेस्टिंग, मतलब अगेन, जब हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तो हम यूएस से ज़्यादा कंपेयर कर रहे थे, जब हम प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे तो हम यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे तो यूके से ज़्यादा कंपेरिजन होगा हमारा। यूके में जो प्रधानमंत्री बनता है वो लोकसभा का मेंबर जरूर होना चाहिए, विच इफ यू थिंक अबाउट इट इज एक्चुअली लॉजिकल, राइट, लॉजिक, क्योंकि लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्ट होकर लोग आ रहे हैं, लोकसभा है वो, राइट, इट इज एक्चुअली द हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल है उसमें जो सेलेक्ट हो गया, एंड प्रधानमंत्री इज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन पीपल, इट सीम्स मोर लॉजिकल कि वो लोकसभा के मेंबर होने चाहिए। हावेवर हमने लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को बराबर का स्पेस दिया है, तो अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा के भी हैं तो भी अलाउड है, लोकसभा के हैं तो भी अलाउड है। इंडीड आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी 1966 में, देवेगौड़ा जी 1996 में और मनमोहन सिंह 2004 में ये राज्यसभा के मेंबर थे, ये बेसिकली जो इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के उनमें नहीं लड़े थे। दो इंदिरा गांधी जी बाद में लड़ी थी, सिर्फ 1966 एक वाले में, ऐसा नहीं कि हर बार राज्यसभा से आ रही थी। ठीक है, इन ब्रिटेन ऑन द अदर हैंड द प्राइम मिनिस्टर शुड डेफिनेटली बी ए मेंबर ऑफ लोअर हाउस विच इज हाउस ऑफ द कॉमन्स और हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है। चलिए, अब ये जो हर एक चैप्टर में है ये किसी काम का नहीं है, इस पर कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है, किसकी क्या ओथ है, किसकी क्या, कौन शपथ ग्रहण क्या करता है। तो जो भी लोग होते हैं, ये शेड्यूल 3 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे 12 शेड्यूल दिए हुए हैं उसमें से तीसरे शेड्यूल के अंदर जो भी हमारे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, जो प्रेसिडेंट है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो अपना ऑफिस ग्रहण करने से पहले क्या शपथ लेते हैं वो लिखी हुई है उसके अंदर। प्रधानमंत्री की जो शपथ है ये अलग से प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं प्रधानमंत्री, अगर ना भी हो तो भी यही शपथ लेनी पड़ती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से फुली एलिज रहेंगे, सॉवरनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को होल्ड करेंगे, फेथफुली एंड कंसिटियसली डिस्चार्ज ड्यूटीज एंड डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट फियर फेवर अफेक्शन और इलविल। ठीक है, सरल बात है। इसके साथ साथ एक ओथ ऑफ सीक्रेसी भी लेते हैं। ऑथ ऑफ सीक्रेसी का सिंपल मतलब है, क्योंकि मतलब अगेन क्योंकि क्या मतलब, ये इतने ही इज़ दी बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द इंडिया, तो जब ये काम करते हैं तो इनके पास कुछ इस प्रकार के सीक्रेट्स इनके काम करते वक्त इनके सामने आते हैं जो कि किसी भी प्रकार से देश पर कैसे भी इफेक्ट डाल सकते हैं। तो इनको सीक्रेसी की ओथ दिलाई जाती है कि कोई भी मैटर इज ब्रॉट अंडर हिज कंसिडरेशन और बिकम्स नोन टू हिम एज अ यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी, मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी को भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे अनलेस जरूरत पड़ता है। अब भाई कोई सीक्रेट इशू है और वो रॉ के चेयरमैन से बात करनी है तो तब तो मतलब बात की जाएगी, परंतु बाकी बड़े सारे से सीक्रेट्स अपने दिल में दबा के रखते हैं हमारे पुराने जितने भी एक्स और जो प्रेजिडेंट प्रधानमंत्री है, ऐसी चीज़ें जो शायद हमें अपने जीवन काल में नहीं पता चले, शायद वो कुछ फाइल्स कभी भी डिक्लासीफाई ना हो। ठीक है, ये सरल है, दिस इज समथिंग, डोंट वरी अबाउट इट, ये ना एकेडमिकली या ना मेंस में पूछा जाता है ना इसके ऊपर कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, सो यू शैल बी सेफ हियर।
This shall surprise you, which was surprising to me also. The term of the Prime Minister is not fixed. सुनने में ऐसा भाई प्रधानमंत्री जो हमारे क्या नाम है नरेंद्र मोदी जी, वो तो 5 साल में दोबारा से इलेक्शन लड़ने आ गए और अभी भी बेसिकली 5 साल जब खत्म हो जाएंगे तो फिर दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे. बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देर इज नो फिक्स्ड टर्म फॉर प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर. बाकी सबके लिए है, बाकी सबके लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है, या तो एज की रिटायरमेंट की एज बता देते हैं कि भाई आप जब तक ऑफिस में जाएंगे ये रिटायरमेंट की एज है उतने दिन तक ही, जैसे चीफ जस्टिस के साथ होता है, जिस जो जजेस होते हैं उनके साथ, या फिर पर्टिकुलर टर्म बता देते हैं. आप प्रेसिडेंट है 5 साल होगा, वाइस प्रेसिडेंट है 5 साल होगा. प्रधानमंत्री के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बताया गया उनका कोई भी टर्म. ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ये फ्रेज ना, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये फ्रेज आप जब भी सुने इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि कोई डिफाइंड टर्म नहीं है. कई जगह होगा प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कहने का तो मतलब है अगर इसको देखा जाए तो, इसको सरल शब्दों में समझा जाए तो प्रेसिडेंट की मर्जी है जब तक तुम जॉब कर रहे हो, प्रेसिडेंट जब चाहेंगे तुमको हटा देंगे, मोर और लेस इसका ये मतलब है. बट इसका मोर टेक्निकली स्पीकिंग ये मतलब होता है कि इसका कोई फिक्स्ड टर्म नहीं है. फिक्स्ड टर्म जब भी नहीं होता तो उसको उसके अंदर शब्द यूज कर दिया जाता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, दिस इसका यह मतलब भी नहीं है कि प्रेसिडेंट का प्लेजर है तो प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम. अगेन, जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास लोकसभा में मेजॉरिटी है ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट. हां, अगर उन्होंने लोकसभा में अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है या तो वो रिजाइन करेंगे, और अगर वो रिजाइन नहीं करेंगे तो प्रेसिडेंट उनको डिसमिस कर देंगे. दो ऑटोमेटिकली जैसे ही लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी खोई जाती है तो प्रेसिडेंट को इमीडिएटली रिजाइन करना ही पड़ता है. ठीक है, तो ये समझ लीजिए प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का क्या मतलब है. प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एक लीगल टर्म की तरह यूज किया गया है, जस्ट टू, ये तभी यूज किया जाता है जब कॉन्स्टिट्यूशन कोई टर्म डिफाइन नहीं करना चाहता है किसी कैंडिडेट के लिए. इसका यह मतलब नहीं है कि मर्जी चला रहे हैं राष्ट्रपति जी. टेक्निकली राष्ट्रपति जी ने अगर प्रधानमंत्री को अब नियुक्त कर दिया है तो फिर अब जब तक उनके पास मेजॉरिटी है वो तब तक रहेंगे. बट यस, टू सी इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ प्रीलिम्स क्वेश्चन, विच ऑफ दीज फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज डज नॉट हैव अ टर्म. प्रधानमंत्री लिखा होगा और आप तो जिद लगा लोगे कि हमें पता है 5 साल तक रहते हैं. एक्चुअली में लोकसभा का टर्म बनाया गया है, प्रधानमंत्री का नहीं बनाया गया. अब यूजुअली लोकसभा का जो टर्म होता है वो, इसका मतलब यह है कि वो जो मेजॉरिटी पार्टी है वही बेसिकली उसी के टर्म पे होगी और उस समय मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होगा वही होगा, राइट? तो टेक्निकली देखा जाए तो दूर से दूर वो सेम होते हैं. बट जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम, लोकसभा हैज अ डिफाइंड टर्म, द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट. प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं. अच्छा, प्राइम मिनिस्टर छोटा टॉपिक है, बड़ा छोटा टॉपिक है क्योंकि 4 आर्टिकल है, छोटा क्यों नहीं होगा. प्राइम मिनिस्टर को हम जो पावर्स हैं वो 4 कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या लगते हैं प्रधानमंत्री जी, चलिए. दूसरा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ क्या संबंध है उनके. तीसरा, पार्लियामेंट में क्या स्पेस है प्रधानमंत्री का. एंड देन कुछ और, देर आर सम मोर पावर्स, बहुत ज़्यादा है, अधिक है, बट हम फिर भी जो थोड़ी बहुत है उनको एक बार देख लेंगे. एंड देन स्पेसिफिकली हम 74, 75 और 78 आर्टिकल को देखेंगे कि उनमें क्या लिखा हुआ है प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में. चलिए सबसे पहले बात करते हैं. प्राइम मिनिस्टर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं. ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि एक संसद है, ठीक है, इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के इलेक्शन, तो 543 लोग इलेक्ट होकर ना यहां पर चले जाते हैं संसद के अंदर. अभी संसद गोल है, नए वाला ट्रायंगुलर बनेगा तो अभी गोल बना सकते हैं. ठीक है, 543 ही लोग चले गए. इसमें से जिनके पास 272 सीटें हैं वो मेजॉरिटी पार्टी होती है, वो सरकार बनाएगी. ठीक है, ये जो मेजॉरिटी पार्टी होती है 272 से ऊपर वाली, तो ये 272 में से एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जाता है प्रधानमंत्री के पास. ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना, इसको कहते हैं सरकार, दे आर दी सरकार. इसकी लिमिट है, ये लोकसभा की 15% ऑफ द लोकसभा से बढ़ना नहीं चाहिए. तो कितना भी बनाया जा सकता है, 60-80 इसके अंदर होता है. जैसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बना दिया गया, डिफेंस के लिए एक अलग मिनिस्टर, पोर्टफोलियो डिसाइड हो जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को. ठीक है, कई बार एक मिनिस्टर ही दो तीन डिपार्टमेंट्स को भी देख सकता है जरूरत पड़ने पर. कई बार प्रधानमंत्री भी जरूरत पड़ने पर कोई एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो ले सकते हैं. ये जो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. एक्चुअली में 70-80-60 के करीब, डिपेंडिंग ऑन जो भी गवर्नमेंट होती है अपने हिसाब से इनको बना लेती है. ये जो लोग है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके और प्रधानमंत्री का क्या रिलेशन है, ये क्या पावर होती है, चलिए.
प्राइम मिनिस्टर ही रेकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट। कहने का क्या मतलब हुआ, जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर देंगे, अब प्राइम मिनिस्टर बताएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन बैठेगा, राइट। एक पार्टी जब लड़ती है तो सीटें 300 जीतती है, लेकिन उसमें से जो मिनिस्टर्स हैं, बाकी सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, मिनिस्टर सिर्फ लिमिटेड होते हैं 60, 70, 80, इस प्रकार से 50 के करीब भी, और भी कम कर सकते हैं, वो जितना भी प्राइम मिनिस्टर की मर्जी होती है जितना भी कर सकते हैं, लिमिट है 15% से अधिक नहीं होने चाहिए बेसिकली ऑफ दी 543। लोकसभा के 15% से ऊपर की नहीं बना सकते हो, जितना भी कम करना चाहो कम भी कर सकते हो। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, ये चुने जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को और उसके बाद वो उनको अपॉइंट करते हैं। अब देखिए, प्रेसिडेंट के साथ कोई, प्रेसिडेंट को पावर्स नहीं है किसी प्रकार की, वो हमेशा एड और एडवाइस पे चलता है, प्राइम मिनिस्टर की या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया, तो फिर भाई अब जो नेक्स्ट काम होगा वो उसकी एड पे और एडवाइस पे किया जाएगा। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन्स हु आर रेकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मर्जी नहीं है यहां पर, श्रद्धा अनुसार नहीं है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर एलोकेट एंड रीशफल्स वेरियस पोर्टफोलियोज। तो किसी को भी कोई भी पोर्टफोलियो जो देना है नहीं देना है वो बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे पहले स्मृति ईरानी जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हुआ करता था, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बेसिकली निशांक पोखरियाल के पास है। इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री के अनुसार होता है उसको बदल सकते हैं, कोई रोका टोकी नहीं है इसके अंदर। ही कैन आस्क ए मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइस द प्रेसिडेंट टू डिसमिसिव। तो जरूरत पड़ने पर लड़ाई हो गई है तो मिनिस्टर को बोल देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिजाइन कर लीजिए, अगर नहीं है तो प्रेसिडेंट को बोल देंगे कि आप डिसमिस कर दीजिए। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन्फ्लुएंसेस, ही डायरेक्ट्स, गाइड्स, कंट्रोल्स, कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर। दो डिफेंस मिनिस्टर सबसे ऊपर हैं रक्षा मंत्रालय में, दो फाइनेंस मिनिस्टर सबसे ऊपर हैं वित्त मंत्रालय में, ठीक है, दो गृह मंत्री सबसे ऊपर हैं होम मिनिस्ट्री में। हावेवर, जो इनके भी ऊपर है, हेड है बेसिकली, वो प्राइम मिनिस्टर है। इनके संरक्षण में बेसिकली किसी भी प्रकार का डिसीजन या गाइडेंस दी जा सकती है, डायरेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो दो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। सपोज कीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 80 मिनिस्टर हैं, ठीक है, 80 मिनिस्टर हैं और एक हमारे प्रधानमंत्री है। अगर प्रधानमंत्री ने रिजाइन कर दिया तो बाकी 80 का ऑटोमेटिक रेजिग्नेशन हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री अपॉइंट होने के बाद उनको अपॉइंट किया है, ठीक है, तो जो उनको अपॉइंट कर रहा है जब वो ही नहीं रहा तो फिर इनके लिए इनकी कैसे जरूरत रह जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है कि जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करती है एक ही बारी में, ये बात ध्यान रखिए, मतलब ऑटोमेटिकली हो गई है, रिजिग्नेशन हो गई है उनकी। ही कैन कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय द रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। कल सुबह अगर बाई चांस प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे, तो ये समझ लेना कि अलग से निर्मला सीतारमण जी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही राजनाथ सिंह को देने की जरूरत पड़ेगी, ना ही अमित शाह जी को देने की जरूरत पड़ेगी, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्लीटली उसके साथ साथ रिजाइन हो जाती है। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए, ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्टर्स कैन नॉट फंक्शन व्हेन प्राइम मिनिस्टर रिजाइन्स और डाइज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिस इज इंटरेस्टिंग, लुक एट इट, व्हेन प्रेसिडेंट डाइज तो कुछ भी नहीं रुकता, इमीडिएटली वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना देते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट मीन्स चीफ जस्टिस को, वो सिर्फ और सिर्फ एक कंटिन्यूटी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया के जो हेड है उनकी एक कंटिन्यूटी बनी रहे। हाउएवर दैट डजंट हैपन विद द प्राइम मिनिस्टर। इफ प्राइम मिनिस्टर डाइज, गवर्नमेंट खत्म उस दिन, मतलब उस दिन बेसिकली गवर्नमेंट इज ओवर एट दैट टाइम। द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देयर बाय जनरेट्स अ वैक्यूम। अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई है इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इनकम्बेंट जो उस समय प्रधानमंत्री हो, तो उस समय जो भी यूनियन मिनिस्टर है, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो वित्त मंत्री हो, गृह मंत्री हो, एजुकेशन मंत्री हो, वो सब के सब उसी समय ऑटोमेटिकली रिजाइन कर चुके हैं वो। इट डजंट, मतलब दिस इज द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब आप समझिए कि पूरे के पूरे उसमें मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज द स्पेस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में क्या स्पेस है। प्रधानमंत्री है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के साथ और पैरेलल में ही एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट कोई भी रोल नहीं है इनका। रेजिग्नेशन और डेथ और ऑफ एनी अदर मदर, अच्छा बाकी कोई भी यूनियन मिनिस्टर अगर रिजाइन कर देते हैं या फिर बेसिकली क्या नाम है किसी आपातकाल कोई मृत्यु हो जाती है, देन इट मियरली क्रिएट्स अ वैकेंसी विच द प्राइम मिनिस्टर मे और मे नॉट लाइक टू फिल। जरूरत है तो फिल भी, अगेन नॉट एन इशू, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, इट्स एन एब्सोल्यूट मैटर ऑफ चॉइस। दिस इज द स्पेस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बेसिकली द टेक्निकल वर्ड
फॉर द गवर्नमेंट, सरकार इन जनरल, जो हम कहते हैं सरकार के आज निर्णय, सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, वो ये है, दीज आर दी पीपल हु आर टेक्निकली रनिंग द कंट्री, यही लोग हैं देश को डायरेक्टली चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर देश डिजास्टर फेस कर रहा होता है तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, दे आर डायरेक्टली ऑन द एक्शन फ्रंट, और इनको सबसे ज्यादा लीड करता है प्रधानमंत्री। दूसरे हम कॉन्टेक्स्ट में देखें, प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में, राइट, राष्ट्रपति हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है, सेरिमोनियल टू बी मोर प्रिसाइज, ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये ये लिखा हुआ है संविधान के आर्टिकल्स में, लिखी हुई है ये बातें कि ये जो तीनों के तीनों जो स्टेप्स हैं ये प्राइम मिनिस्टर को करने पड़ते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच के ब्रिज, कम्युनिकेशन का ब्रिज, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेती है, राइट, उसको प्रधानमंत्री का ऑफिस राष्ट्रपति के पास भेज देता है। याद रखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली में लिखा हुआ है, इट्स एन ऑब्लिगेशन कि जो प्रधानमंत्री के पास एक ऑब्लिगेशन है कि वो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिसीजन ले वो प्रेसिडेंट को बताएं जरूर। टू कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन। इट्स नॉट अ ड्यूटी, इट्स ये कोई कन्वेंशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ये करना पड़ता है, ये जरूरी है। टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन टू द अफेयर्स ऑफ द यूनियन प्रपोजल ऑफ एज द प्रेसिडेंट में कॉल। बाई चांस से कोई रह जाए तो प्रेसिडेंट पूछ लेगा कि मुझे ये चाहिए, तो उस समय भी देना पड़ेगा, राइट। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन, यहां पे खुद ही है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए जो भी लेजिस्लेशन के प्रपोजल्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन, देश के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी जो बात होती है हमेशा प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को बताते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्लिगेशन दी गई है प्रधानमंत्री के ऊपर, अगर जरूरत पड़ती है तो प्रेसिडेंट की पास ये पावर है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि ही कैन आस्क फॉर एनी सच इन्फॉर्मेशन, जरूरत पड़ने पर वो सारी इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं। एंड देन इफ प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई डिसीजन लिया, राइट, सबके सब जो सबसे सीनियर यूनियन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने सबने बैठ के एक डिसीजन लिया, वो डिसीजन बेसिकली प्रेसिडेंट के पास गया क्योंकि हमारी ड्यूटी है उनको बताना, प्रधानमंत्री की ड्यूटी है उनको बताना। एंड देन प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ने उनको वापस भेज दिया, रिकंसीडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं कि सीम्स लाइक अ गुड प्लान, कैन यू प्लीज टेक अ रेन चेक ऑन इट, मे बी जरूरत पड़ने के ऊपर। हाँ, विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल, ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान से रखिए। अब देखिए, हर बात पर तो काउंसिल नहीं बैठेगी भाई, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े यूनियन मिनिस्टर्स हैं, तो देर इज अ पॉसिबल कि यूनियन मिनिस्टर ने एक डिसीजन ले लिया, राइट, एक यूनियन मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया, प्रेसिडेंट के पास आया, एंड प्रेसिडेंट भी लाइक कि यार ये तो सबको मिलकर बात करनी चाहिए थी, काफी बड़ा डिसीजन हो गया, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच भेज सकते हैं उस डिसीजन को, ये कह के कि जरा इंडिविजुअली लिया गया है, कंफर्म कर दो कि ये सबने मिलकर लिया है, जस्ट फॉर दैट, ठीक है। एंड देन यहां पे तो पावर देखो, तो प्रधानमंत्री की पावर देखिए, ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड, अच्छा या जब कॉन्स्टिट्यूशन में एडवाइज लिखा होता है ना, और खासकर से जब प्रधानमंत्री एडवाइज कर रहा है, तो ये समझ लो कि ये बोला गया है करने को, ऐसा नहीं है कि ये सलाह है आपको, जैसे मैं कोई एडवाइस दूं जिसमें से आप कुछ नहीं मानते, आपके पेरेंट्स कुछ एडवाइस दे आप नहीं मानते, प्रधानमंत्री जब प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं तो यहां सिर्फ शब्द एडवाइस है, ये मत समझना कि एक्चुअली में एडवाइस चल रही है, बोल दिया गया है। प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चेयरमैन मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, मतलब कि जो भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं उनका उनमें किसको सेलेक्ट करना है, कौन उनके चेयरमैन होने चाहिए, ये प्रधानमंत्री बताते हैं प्रेसिडेंट को। अच्छा, यहां पर क्योंकि ये सारे टॉपिक हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं, तो सोचो अटॉर्नी जनरल, ऑडिटर जनरल, यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर्स, इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये सब अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, ठीक है। एंड देन इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में क्या करते हैं, ये आपने टीवी पे कभी ना कभी देख ही लिया होगा, नहीं तो कुछ व्हाट्सएप या फेसबुक पे कोई छोटे छोटे मीम आ जाते हैं, उसमें देखा होगा कि प्रधानमंत्री कई बार पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस, इन दिस कैपेसिटी ही एंजॉयज द फॉलोइंग पावर्स, लीडर ऑफ द लोअर हाउस इन द सेंस लोकसभा में जो पावर, जो पार्टी मेजॉरिटी में है उसके लीडर को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, इसका मतलब वो लोकसभा के भी लीडर होते हैं, राइट। He advises the president regard to summoning and proroguing of the sessions of the parliament. अब जो ये पार्लियामेंट के सेशन होते हैं तीन, राइट, एक बजट में हो गया और फिर एक बीच में मानसून सेशन हो गया और उसके बाद एक विंटर सेशन हो गया, ये किस दिन करनी है, ये प्रेसिडेंट
ऐसे कोई कैलेंडर नहीं बनाया हुआ है अपने फोन में कि भाई चेक करके इस दिन करा देंगे, इसकी एडवाइस जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, ही कैन रेकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एट एनी टाइम। एट एनी टाइम का मतलब है कि दो इलेक्शंस जीते हुए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन अगर उन्होंने कल प्रेसिडेंट को ये लिखा कि डिसॉल्व कर दो, दोबारा से इलेक्शन करवाने हैं, देन प्रेसिडेंट विल डिसॉल्व लोकसभा, उसके बाद देश में दोबारा से इलेक्शन होंगे, ये उनकी एकदम कंप्लीट मर्जी के ऊपर तय है, इसमें कोई किसी को रोक टोक नहीं कर सकता है। ही अनाउंसेज गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो जो नरेंद्र मोदी जी की जो आपने देखी होंगी कभी स्पीचेस देखी होंगी लोकसभा के अंदर, वो प्राइमरली स्पीकिंग क्या चल रहा होता है, गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसीज हैं किसी भी चीज़ से संबंधित, कभी ट्रांसपोर्ट से संबंधित, कभी टूरिज्म से संबंधित, कभी विदेश नीति से संबंधित, कभी रक्षा नीति से संबंधित, वित्त नीति से संबंधित, उनको बेसिकली प्राइमरली जो है फ्लोर के ऊपर अनाउंस करते हैं। ही इज द लीडर ऑफ द लोकसभा बेसिकली। अच्छा, इनके अगेंस्ट कौन होता है, इनके अगेंस्ट होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन पहले नहीं हुआ करता था, 1969 में इस चीज को लीगलाइज कर दिया गया, ठीक है, कि एक आदमी होगा जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। 2014 के बाद कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट जो है खाली पड़ी हुई है। 2014 से हमारे भारत में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहा है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन का एक क्राइटेरिया होता है कि वही पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन चुन सकती है जिसकी मिनिमम 10% सीटें हों लोकसभा के अंदर। अब 10% सीटें 543 की जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 54 है। Neither in 2014, neither in 2019, except the NDA coalition, किसी भी पार्टी के 54 से अधिक सीटें नहीं आई। पहले में अगर देखें हम 2014 में तो कांग्रेस के 44 के करीब सीटें थी, 2019 में 51-52 के करीब सीटें थी। तो लीडर ऑफ अपोजिशन कोई भी नहीं चुना गया है 2014 के बाद, याद रखिएगा। इसके अलावा ये तीन चीज़ें हैं, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा, ये सिर्फ नाम से इतने हैं, पर अगर लिस्ट बनाने आएंगे तो इट विल बी अ बुक इन इट सेल्फ वेन इट कम्स टू प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन है, इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन, नेशनल वाटर रिसोर्स, याद भी नहीं होंगे। ये याद करने क्यों जरूरी है, कुछ बॉडीज ना जिनका नाम सुन के पता नहीं चलता है कि प्राइम मिनिस्टर उनके चेयरमैन है। एक क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से पूछा गया था प्रीलिम्स में कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA का चेयरमैन कौन होता है। अब यूजुअली ऐसा लगता है कि NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, कई बार इस बात पर डाउट हो जाता है कि प्रधानमंत्री क्यों ही होंगे, हो सकते हैं कोई फॉरेस्ट मिनिस्टर हो, पर्यावरण मिनिस्टर हो, उनका होना चाहिए। हाउएवर, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को हेड या चेयरमैन कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जिन जिन चीज़ों को शेयर कर रहे हो उनको ज़रूर आप याद करके रखिएगा कि वट आर दी बॉडीज विच स्पेसिफिकली आर चेयर्ड बाई दी प्राइम मिनिस्टर। फॉरेन पॉलिसी डिफाइन करते हैं, इसमें तो आप जानते ही हैं, आपको मोस्ट प्रोबेबली फॉरेन मिनिस्टर का नाम नहीं पता है, राइट? एस जयशंकर है, याद कर लीजिए। परंतु हाँ, ये आपको पता है कि प्रधानमंत्री फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी इफेक्ट करते हैं। चीफ स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसीज, द लीडर ऑफ द नेशन, ठीक है, ही इज द लीडर ऑफ द पार्टी ऑन द पावर, ही इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। काफ़ी सारी पावर्स हैं, इस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पास स्पेसिफिकली, इज जस्ट टू अंडरस्टैंड वट इज द पॉलिटिकल पोजिशन, वट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। इसमें देखिए बहुत सारी सी एजेंसीज जो हैं, द फॉन्ट जिस प्रकार से आपका दिख रहा है तो आपके हिसाब, मुझे लग रहा है कि आपके दिल से आवाज आई है कि सर अगर ऐसा ही फॉन्ट रखना था तो ये स्लाइड ना भी रखते तो भी अच्छा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा, टिल द टाइम मैं बता देता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, अगेन कई बार एसोसिएट करना मुश्किल रहता है कि क्यों प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ के क्यों हेड होंगे, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो कि PMO ऑफिस के तहत आती है उसके हेड प्राइम मिनिस्टर है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के भी प्राइम मिनिस्टर ही हेड है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के नीचे ही इसरो आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसिस एंड पेंशंस, ये जो IAS बनना चाहते हो वो यहीं पर इसी मिनिस्ट्री से संबंधित रखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसिस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। बेसिकली IAS जो होते हैं, सिविल सर्विसेज के जो IAS होते हैं, उनके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जो IPS होते हैं उनके हेड होते हैं गृह मंत्री इन जनरल, अगर आप जनरल रूडिमेंट्री एनालॉजी में सोचे तो। उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरीआट में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, हाँ ये थोड़ा सा कुछ तो इंटरेस्टिंग लगा है, रॉ के जो हेड हैं वो प्रधानमंत्री हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप,
ये भी एजेंसी पीएम के अंदर आती है, ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमिटी, नेशनल अथॉरिटी चेन्नई, और भी बड़े सारे हैं, देयर विल बी सो मेनी विच वुड नॉट हैव बीन मेंशनड हियर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो आपको ऑटोमेटिकली पढ़ने में आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन करते वक्त आपको धीरे धीरे सब याद भी हो जाएंगे, बट येस डू कीप एन आई ओपन अबाउट दी एजेंसीज विच आर हेडेड बाई दी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्रेसिडेंट के साथ रिलेशनशिप करने में तीन आर्टिकल है, राइट, 74 है, 75 है और 78 है, यानी कि और एक 366 है, उसमें दूसरा ही कुछ और है, विल कम टू दैट लेटर ऑन। प्राइम मिनिस्टर इन तीनों में ही मेंशन्ड है। आर्टिकल 74 क्या कहता है, ये बात ध्यान रखो, इट जस्ट सेज दिस, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट हेड टू एड एंड एडवाइज, रीड द आर्टिकल, द प्रेजिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, द प्रेजिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 74 ये कहता है, आर्टिकल 75 में कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाई प्रेजिडेंट, हाउएवर 74 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा, वो प्राइम मिनिस्टर एड और एडवाइस करेगा प्रेजिडेंट को, हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस ऑफ सच एडवाइस। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है कि जब प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस दे तो प्रेसिडेंट विल एक्ट इन अकॉर्डेंस ऑफ दैट एडवाइस, मतलब कि ये अब लॉ है, इट कैन नॉट बी चेंज, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। चेंज इन द सेंस कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा चेंज किया जा सकता है, अगेन इस बस सिर्फ एक पॉइंट पे कि कहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर में ना आए, दैट इज दैट कैन बी जज्ड, वो बाद में जुडिशरी जज कर सकती है कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर है नहीं, बट दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। हाउएवर बस प्रेसिडेंट के पास एक ऑप्शन है यहां पे, प्रेसिडेंट को कोई भी एडवाइस देगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की किसी भी प्रकार की, अगर जरूरत पड़ता है, प्रेसिडेंट को लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ा इशू है, तो प्रेसिडेंट उस एडवाइस को वापस भेज सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास कि इसको रिकंसीडर करना। ये जो शब्दों का खेल है, रिकंसीडर करना, ये नॉर्मल ऐसा नहीं है कि आपने एक मुझे आंसर लिखकर भेजा और मैंने कहा कि भाई इसको रिकंसीडर लिख के दे दो, तो आपने उसको कुछ रिकंसीडर किया फिर दे दिया, ठीक है, या फिर आपने मुझसे कोई रिक्वेस्ट की एंड देन यू आस्क मी सर रिकंसीडर द रिक्वेस्ट, मैंने मना करने के बावजूद भी आपने कहते रिकंसीडर, तो ये नॉर्मल जनरल, दीज आर लीगल वर्ड्स, रिकंसीडर का मतलब काफी स्ट्रांग होता है। व्हेन अ प्रेसिडेंट सेंड्स द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर टू रिकंसीडर, तो इसका ये मतलब होता है कि 90% चांस है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा कि ठीक है यार कोई सीरियस बात है रहने दो, अगर प्रेसिडेंट ने मना कर दिया तो बहुत कम ही ऑप्शन होंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसी एडवाइस को वापस दोबारा भेज देगा। दो ऐसे भी इवेंट हुए हैं, तो ऐसा मत सोचना कि ऐसा कुछ मतलब पहाड़ भी नहीं टूटेगा, जरूरत पड़ने पर ऐसा हो भी जाता है, ठीक है, बट ये है कि एक बार भेज सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा वही एडवाइस प्रेसिडेंट के पास आ गई देन ही हैव टू फॉलो इट, फिर चाहे उनका मन कर रहा हो या ना कर रहा हो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आर्टिकल 75 ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट और जो बाकी मिनिस्टर हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हम उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं जिनको अभी हमने डिस्कस किया बट इन द फॉर्म ऑफ द अनुच्छेद, ठीक है, डन है। मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन अगर इस आर्टिकल को तुम इसके साथ पढ़ोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है ना, इट्स इन एक्चुअल प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की विल है कब तक कोई मंत्री रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं तो उनको हटाया भी जा सकता है। सो टेक्निकली प्रीलिम्स के क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो इट्स द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आर्टिकल 75A में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की पे ही कर सकता है, तो इसका मतलब इट्स मोर ऑर लेस अ प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बट ये शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, जस्ट रिमेंबर इट कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ही है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का ये मतलब होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे तो सारे के सारे क्या नाम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रिजाइन कर देगी, अगर प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु होगी तो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रहते होंगे। अगर एक मिनिस्टर जो होगा, एक काउंसिल ऑफ एक मिनिस्टर अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को लूज कर जाए तो फिर बेसिकली सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब है कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर निर्णय लेती है तो वो निर्णय जो है चाहे किसी ने भी लिया हो वो माना जाता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इकट्ठा लिया है, सब ने लिया है, ये बात ध्यान रखिएगा। दैट मीन्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारे के सारे मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं देश में जो भी होता है। एंड द लास्ट आर्टिकल, इट सेज दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो हमने वो तीनों की तीनों चीजें पढ़ी थी कि ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करे भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या क्या डिसीजन लिए हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर प्रेसिडेंट मांग ले जरूरत पड़ने पर तो वो सारी इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देंगे, और प्रेसिडेंट
अगर कोई ऐसा डिसीजन आया है प्रेसिडेंट के सामने जो कि एक इंडिविजुअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक मिनिस्टर ने लिया था, तो प्रेसिडेंट उसको रिकंसीडरेशन के लिए भेज देते हैं तो, और ये कह सकते हैं कि इसको एक बार पूरे के पूरे सब मिलकर डिसीजन लेके बताइए कि आप सबकी इस पर सहमति है यानी टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन अ विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ सिंगल मिनिस्टर बट वॉज नॉट कंसिडर्ड बाय काउंसिल, राइट। बड़े सारे से काम है, कुछ इंडिविजुअल भी ले लेते हैं, तो अगर किसी ने इंडिविजुअली लिया है तो प्रेसिडेंट के पास एक अथॉरिटी है कि आप इसको पूरा के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसको डिस्कस करके बताइए, अगर आप सब साइन करके दे रहे हैं तो फिर मैं इसके साथ आगे बढ़ सकता हूं, दैट इज इट, वी हैव ऑलरेडी डन इट, तो ये तो सरल वाली बात है। ये था हमारा पूरा का पूरा प्रधानमंत्री के सारे जो आर्टिकल्स थे 74, 75 और 78, ठीक है। इसके अलावा कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर, बट इसके बारे में हम डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट। इसके बाद ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज बची वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। इन द लेक्चर नंबर 23 वी विल बी कमिंग टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज सच मॉडर्न इशू। यू नीड द PDFs, दिस इज बेसिकली अ टेलीग्राम चैनल वेर यू कैन गेट द PDFs। मोर इंपॉर्टेंटली आई एम एक्चुअली लॉट फन ऑन माई सोशल मीडिया, सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई सोशल मीडिया। और इट इज़ ऑफ्टन रिपीटेड बट एज यू नो दिस सीरीज कैन बी सक्सेस ओनली विद योर सपोर्ट, सो डू शेयर इट एंड इफ यू डू लाइक द वीडियो देन आई वुड लाइक टू रीड योर अप्रिशिएबल वर्ड्स राइट बिलो दिस यूट्यूब कमेंट्स। हैव अ नाइस डे।